चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है खाड़ी देशों में NRI और पोस्टल वोटिंग अधिकार। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इस प्रस्ताव में खाड़ी देशों को छोड़ने के पीछे क्या कारण है, NRI मतदाताओं का वर्तमान सामर्थ्य कितना है और NRI पोस्टल मतदान प्रक्रिया क्या होगी। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत के राज्यों में पंजीकृत NRI मतदाताओं की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी आंध्र प्रदेश, विकल्प सी उत्तर प्रदेश, विकल्प डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुने। यह चर्चा में क्यों है? चुनाव आयोग ने अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में रह रहे NRI के लिए पोस्टल वोटिंग या डाक मत का प्रयोग करने से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो NRI को पोस्टल वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी खाड़ी देशों में रह रहे NRI को ये सुविधा नहीं मिलेगी। इस प्रस्ताव में खाड़ी देशों को छोड़ने के पीछे क्या कारण है? कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों में बसे प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध आयोग के पास स्पष्ट रूप से कोई पूर्व धारणा नहीं है। विदेश मंत्रालय ने पहले भी गैर लोकतांत्रिक देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की सुविधा को लेकर आपत्ति जाहिर की है। गैर लोकतांत्रिक देशों में भारतीय मिशनों और दूतावासों के बाहर मतदाताओं को कतार लगाने के लिए परमिशन की जरूरत होगी और आशंका है कि ये देश इस बात की अनुमति नहीं देंगे। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने अब तक अपने प्रस्तावित योजना में खाड़ी देशों को शामिल नहीं किया है। NRI मतदाताओं का वर्तमान सामर्थ्य कितना है? संयुक्त राष्ट्र की साल 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश में बसे 16 मिलियन भारतीय संख्या के लिहाज से दुनिया में सबसे अधिक है। चुनाव आयोग के अनुसार NRI मतदाताओं का पंजीकरण बहुत कम हुआ है। मतदाता के रूप में 1 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों ने अब तक पंजीकरण कराया है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 25,000 ही वोट पड़े थे। चुनाव आयोग के पास NRI मतदाताओं के देशवार आंकड़े नहीं है। हालांकि आयोग के पास भारत के राज्यों में पंजीकृत NRI मतदाताओं की जानकारी है। NRI मतदाताओं में से सबसे बड़ी संख्या में केरल में मतदान करने के लिए पंजीकृत है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या आंध्र प्रदेश में पंजीकृत है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और फिर तेलंगाना में है। प्रस्ताव के स्वीकार होने पर NRI पोस्टल मतदान प्रक्रिया क्या होगी? प्रस्ताव के अनुसार विदेश में भारतीय दूतावास में एक अफसर नियुक्त किया जाएगा। वह NRI मतदाता की ओर से बैलेट पेपर डाउनलोड करेगा। बैलेट पेपर डाउनलोड करने के बाद वह उसे मतदाता को सौंपेगा। इसके बाद NRI मतदाता उस पर अपना वोट चिन्हित करेगा। उसके साथ अफसर की ओर से प्रमाणित किया गया एक सेल्फ असिस्टेड फॉर्म भी देगा। दोनों ही चीजों को एक सील बंद लिफाफे में अफसर को देना होगा। इसके बाद भारतीय मिशन से वो सभी बैलेट पेपर संबंधित चुनाव अधिकारी को भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग के प्रस्ताव के अनुसार जो भी NRI अपना वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डालना चाहेगा उसे चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तारीख से कम 5 दिनों बाद इसके बारे में रिटर्निंग अफसर को बताना जरूरी होगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प सी। आज के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।
Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.